एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हमको दिया गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एबी ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे एबी जिसकी लेंथ होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, 8 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। फिर आगे क्या बोला गया है, टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमने लाइन सेगमेंट एबी बनाई। अब लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी। तो पॉइंट ए पे, कहां पे, पॉइंट ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, बराबर। फिर एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो जो उसका दूसरा एंड पॉइंट है, कौन सा एंड पॉइंट, पॉइंट बी। तो अब राउंडर पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके बी पे सेंटर रख के एक और सर्कल बनाने का है। फिर construct the tangent to each of the circle from each of the circle from the center of the other circles। तो अब यहाँ पे ये जो दो circles हमने बनाए हैं, तो वहां से हमको क्या बनाने, tangents, दो circles पे क्या बनाने, हमको tangents बनाने हैं। तो चलो अब इसको construct करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग rounder pencil scale निकाल लो। तो सबसे पहले आप लोग pencil और scale निकाल लो। तो सबसे पहला हमको यहाँ पे क्या बोला गया था, draw a line segment AB। क्या बोला गया था, draw a line segment AB। तो सबसे पहले स्केल और पेंसिल उठा लो। तो स्केल और पेंसिल से एक लाइन सेगमेंट बना लो 0 से 8। कितना बनाओगे, 0 से 8, बराबर। तो चलो 0 से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना लो, उसका नाम दे दो पॉइंट ए। क्या नाम दे दोगे उस पॉइंट का, पॉइंट ए, और दूसरे एंड पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट बी। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, टेक अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एबी ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना दी और उसका नाम दिया ए और बी। ए बी का जो डिस्टेंस है वहां पे 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा, टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अभी अगर आप लोग ध्यान दो डायग्राम पे, तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, we have a point A and as well as a point B। अब राउंडर पे हमको 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। कितने का डिस्टेंस लेना है, 4 सेंटीमीटर। तो फटाफट राउंडर उठा लो आप लोग, चलो राउंडर ले लो, स्केल ले लो। अब राउंडर पे बेटा 0 पे से रख के, कहां पे रख के, 0 से रख के 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे। कितने का लोगे, 4 सेंटीमीटर का। देखो मैं, मेरे डायमेंशंस थोड़े अलग होंगे, आपको 4 सेंटीमीटर लेना, आपको कितना, 0 से 4 सेंटीमीटर ही लेना रहेगा। तो चलो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब राउंडर का जो सेंटर है वो कहां पे रखोगे, पॉइंट ए पे। कहां पे रखोगे राउंडर का सेंटर को, पॉइंट ए पे। ए पे सेंटर रखने के बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे, एक कंप्लीट सर्कल आपको बनाना रहेगा, बराबर। तो ये पहला स्टेप हो गया, बराबर। क्या कि हमको एक सर्कल बनाना था जिसका सेंटर होगा ए, जिसका सेंटर होगा ए और रेडियस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। वो कंप्लीट हो गया। अब वैसे ही आगे क्या बोला गया है, हमको अब सेंटर क्या लेना है, बी लेना है। सेंटर क्या लेना है, बी लेना है, और बी पे सेंटर रख के हमको एक और सर्कल बनाना है, और उस सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए हमारे पास सेंटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वापिस राउंडर ले लो आप लोग, स्केल ले लो। चलो वापिस, हाँ, तो चलो हमने राउंडर और स्केल लिया। 0 से रख के कितना सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर। आपको कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो बी पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे हम लोग, बी पे रखेंगे और एक सर्कल बना देंगे, और एक और क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो चलो दो सर्कल बन गए। पहला सर्कल है सेंटर ए ऑफ अ रेडियस 4, सेकेंड सर्कल इज हैविंग अ सेंटर बी एंड अ रेडियस 3। अब इसके बाद हमको क्या बनाना है, ये दोनों सर्कल, ये जो दो सर्कल्स बने हैं, ये दोनों सर्कल पे हमको टेंजेंट्स बनानी है। हमको क्या बनानी है बेटा, टेंजेंट्स बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो लाइन सेगमेंट एबी है उसका बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसको हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको याद हो तो 9th में आपने ये चीज पढ़ी थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग राउंडर उठा लो,
राउंडर का सेंटर ए पे या बी पे, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पर उसका सेंटर रखो। आपको ए पे रखना तो ए पे रखो, बी पे रखना बी पे रखो। अब जैसे मान लो मैं ए पे रख रहा हूं, फिर उसका डिस्टेंस मैं ए पी जितना लूंगा या उससे थोड़ा सा कम, मैं डिस्टेंस क्या लूंगा ए पी जितना लूंगा या उससे थोड़ा सा कम, ए बी जितना डिस्टेंस लगा या उससे थोड़ा सा कम, योर डिस्टेंस शुड बी मोर देन हाफ। आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा, मोर देन हाफ होना चाहिए। तो चलो मैंने ए बी जितना डिस्टेंस, ए बी से थोड़ा सा कम डिस्टेंस लिया। अब ए से कहां से पॉइंट ए से एक आंख ऊपर के साइड सेम मेजरमेंट। अब देखो बेटा, अब ये जो मेन स्टेप है वो ध्यान देना आपको, अब जो मेजरमेंट आपने ले लिया है ना वो मेजरमेंट अब आप लोग चेंज नहीं कर सकते। जो मेजरमेंट लेके आपने एक पहला आर्क बना दिया वो मेजरमेंट अब आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेजरमेंट चेंज हुआ तो कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम लोग वही मेजरमेंट रख के बी पे से आर्क बनाए, ए पे से आर्क बनाएंगे। ए से हमने कहा बनाए ऊपर के साइड, और ए से कहा बनाए बेटा नीचे के साइड। ए से हमने दो आर्क बनाए, एक ऊपर और एक नीचे। सेम वही चीज, सेम वही मेजरमेंट रहना चाहिए, और वही चीज हम लोग करेंगे कहां से पॉइंट बी से। कहां से करेंगे हम लोग पॉइंट बी से। देखो आप बी पे सेंटर रखोगे, अगर आपने पहले बी पे सेंटर लिया था तो अब आप लोग ए से करोगे, अगर आपने पहले ए से लिया था तो अब आप लोग बी से करोगे। तो मैंने पहले ए पे से सेंटर लेके आर्क बनाए थे, अब वही मेजरमेंट वाले मेजरमेंट अभी भी चेंज नहीं कर सकते, वही मेजरमेंट वाले आर्क सब कहां से बनाएंगे हम लोग पॉइंट बी से। तो वो मेजरमेंट पहले हम लोग ले लेते हैं। अब देखो पॉइंट बी पे से हमको आर्क बनाने, क्या बनाने हमको पॉइंट बी पे से आर्क बनाने। तो बी पे से हमने एक आर्क बनाया ऊपर के साइड, और एक आर्क बनाया हमने नीचे के साइड। तो ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट होने चाहिए। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, स्केल उठा लोगे। अब स्केल से ये दोनों आर्क को आप लोग ज्वाइंट करोगे, स्केल से आप लोग क्या करोगे दोनों आर्क को आप लोग ज्वाइंट करने की कोशिश करोगे। देखो ये दोनों आर्क, देखो स्केल को आपको इस तरीके से रखनी है कि दोनों आर्क के जो इंटरसेक्शन है वो आपके स्केल के ऊपर आने चाहिए। वो कहां पे आने चाहिए, आपके स्केल के ऊपर आने चाहिए। तो जैसे इस तरीके से मैंने कर दिया, अब इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से कैसे ज्वाइंट कर दूंगा, ये दोनों जो पॉइंट्स आए हैं मेरे पास उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर दूंगा। बराबर, मैं इसको क्या करूंगा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर दूंगा। अब ये जो लाइन हमने बनाई, आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट एबी पे इंटरसेक्ट हो रही है, जो हमने लाइन बनाई बराबर दोनों आर्क्स को ज्वाइंट करा तो हमसे क्या बनी है लाइन बनी। तो ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट एबी पे। तो जो पॉइंट एबी पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट का नाम दे दोगे आप लोग एम। क्या नाम दे दोगे आप लोग, एम नाम दे सकते हो। बराबर, चलो यहां तक कोई डाउट, फटाफट एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं यहां तक का। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, स्केल उठाई थी, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई थी 0 to 8। एक पॉइंट का नाम दिया ए, दूसरे पॉइंट का नाम दिया बी। उसके बाद हमने राउंडर लिया, राउंडर पे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया स्केल पे मेजर करके, कहां पे स्केल पे मेजर करके 0 से 4, और ए पे सेंटर रख के एक सर्कल बनाया। फिर हमने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया बी पे सेंटर रख के दूसरा सर्कल बनाया। उसके बाद जो लाइन सेगमेंट ए बी है हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, हमने क्या बनाया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है जो जहां पर इंटरसेक्ट कर उस पॉइंट का नाम दिया हमने पॉइंट एम। क्या नाम दिया, पॉइंट एम। कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट एम हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, राउंडर उठाएंगे वापिस, उसका सेंटर कहां पे रखेंगे एम पे, कहां पे रखेंगे एम पे सेंटर रखेंगे। अब आप ए के जितना डिस्टेंस लो या बी के जितना भी आपको डिस्टेंस लेना, ए जितना डिस्टेंस लो या बी जितना, एम पे रख के ए के साइड डिस्टेंस लो या बी के साइड डिस्टेंस लो, डिस्टेंस लेने के बाद इतना डिस्टेंस लेने के बाद आप लोग एक सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे आप लोग, एक सर्कल बनाओगे बराबर। और आपको वो ध्यान देना है, दो सेकेंड चलो, यहां पे सेंटर रखा ओके, बी के जितना डिस्टेंस लिया हमने। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सर्कल। एम पे सेंटर रखो, बी के जितना डिस्टेंस लो और एक सर्कल बनाओ। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो जो सर्कल हमने एम को सेंटर लेके बनाया वो दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है,
सर्कल ए सेंटर ए वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर बी वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर, तो जो जो पॉइंट वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? नेमिंग। अब जैसे यहां पे इसका नाम दे देते, चलो हम लोग पॉइंट पी, यहां पे दे देते हैं पॉइंट क्यू। सेम वैसे ही यहां पे पॉइंट दे देते हैं आर और यहां पे पॉइंट दे देते हैं एस, बराबर। अब लास्ट और फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हुए, अब लास्ट स्टेप में देखो हमको क्या बोला है, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स। व्हाट वी हैव टू ड्रॉ? टेंजेंट्स। तो अब देखो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के बाहर दो पॉइंट्स हमको मिल रहे, तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या बनेंगे? टेंजेंट। अब टेंजेंट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग स्केल उठा लो। क्या उठा लो? स्केल उठा लो, स्केल और पेंसिल ले लो। अब स्केल को कहां पे रखोगे? ए पे। कहां पे रखोगे? ए। और पॉइंट पी जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और पी को आप लोग स्केल से कनेक्ट करोगे। किससे कनेक्ट करोगे? स्केल से। उसको वो दोनों पॉइंट्स को आप लोग कनेक्ट करोगे और पेंसिल से, पेंसिल से आप लोग ए पे से पास हो, ए पी पे से पास होते हुए एक रे बनाओगे। क्या बनाओगे? एक रे बनाओगे। सेम वही चीज जैसे हमने एपी को ज्वाइन करा, वैसे ही स्केल रख के, क्या रख के? स्केल रख के आप किसको ज्वाइन करोगे? एक्यू को ज्वाइन करोगे। किसको ज्वाइन करोगे? एक्यू को ज्वाइन करोगे। तो देखो वैसे ही हम लोग किसको ज्वाइन करेंगे? एक्यू को। किसको ज्वाइन करेंगे? ए और क्यू को एक दूसरी रे से। तो चलो पॉइंट ए से हमने दो टेंजेंट्स बना दी दूसरे सर्कल पे। जैसे ही पॉइंट ए से हमने टेंजेंट बनाई, सेम वही तरीके से हम लोग पॉइंट बी से भी टेंजेंट्स बनाएंगे। हम लोग कहां से बनाएंगे? पॉइंट बी से भी हम लोग टेंजेंट्स बनाएंगे। तो वापस स्केल ले लो, स्केल को कहां पे रखोगे? बी पे। और उसको कहां तक लेके जाओगे? बी और आर को कनेक्ट करोगे। क्या करोगे आप लोग? बी और आर को कनेक्ट करोगे। अब बी और आर को अपने इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। दो सेकेंड। इसको ज्वाइन करा हमने, सेम वैसे ही बी और आर को करा, वैसे बी और एस को भी हम लोग इस तरीके से स्केल रखे। तो ये आप लोग स्केल रख किस तरीके से उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तब यहां पे जाके हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है कि हमने पॉइंट ए से भी दो टेंजेंट्स बना दिए और पॉइंट बी से भी दो टेंजेंट्स बना दिए। तो अब देखो अब इसके स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? देखो यहां पे ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एबी विद द 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप में पहला सब आप लोग क्या करोगे? एक लाइन सेगमेंट बनाओगे एबी जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। पहला सब ये आपका हुआ, इसकी लेंथ होगी आपकी 8 सेंटीमीटर, बराबर। ये आपका सबसे पहला स्टेप हुआ। फिर उसके बाद टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ 4 सेंटीमीटर रेडियस। अब ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो सेकंड स्टेप के बाद आपका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर थर्ड स्टेप, टेकिंग बी एज अ सेंटर। देखो ये 8 सेंटीमीटर तो है ही, ये 4 सेंटीमीटर। टेकिंग बी एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। दूसरा जो सर्कल होगा वो कितना होगा आपका? 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। देखो आपको ये सारे मेजरमेंट्स मेंशन नहीं करने हैं, बराबर। आपको आपका जो कंस्ट्रक्शन बनाओगे तो उसमें आपको ये सारे स्टेप्स मेंशन नहीं करने हैं। उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेप, बाइसेक्ट एबी टू ऑब्टेन द मिड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट एबी का हमने क्या बनाया? बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर बनाने के बाद हमको क्या मिला? पॉइंट एम मिला। कौन सा पॉइंट मिला? पॉइंट एम। फिर ड्रॉ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड अ रेडियस OA टू द सर्कल विद अ सेंटर A एट अ सर्कल विद अ इंटरसेक्ट द सर्कल विद अ सेंटर A एट R एंड S एंड अ सर्कल विद अ सेंटर B एट अ पॉइंट P एंड Q। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, ये रेडियस हमारा O नहीं होगा, रेडियस होगा हमारा, सॉरी सेंटर होगा हमारा M।
और एम ए रेडियस होगा, क्या होगा हमारा सेंटर, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर एम एंड रेडियस एम ए टू इंटरसेक्ट सर्कल विद सेंटर ए एट आर एंड एस। तो एम को सेंटर लेंगे, ए के जितना डिस्टेंस लेंगे एम ए के जितना, और एक सर्कल बनाएंगे। तो जो सर्कल ए है उसको इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट आर और पॉइंट एस पे, और वही एंड सर्कल विद सेंटर बी एट पी एंड क्यू, और सर्कल बी को भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और कौन कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर लास्ट स्टेप्स, बी आर एंड क्यू एस आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल हुज सेंटर इज ए। तो सर्कल का जो सेंटर ए है तो उससे जो उसके टेंजेंट्स है कौन कौन से, बी आर और बी एस, किन से, ये जो सर्कल है और ये उसके टेंजेंट्स बन रहे। वैसे ए पी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विद द सेंटर बी। अब यहां पे जाके आपका सारे स्टेप्स खत्म होते हैं और लास्ट में आपका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, बराबर। तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता जाएगा, तो एटलीस्ट 2 से 3 बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करो।